স্যার আপনার কিশোর জিতে কিশোর জিতে নারায়ণ চিহ্নে জিতে জিতে নারায়ণ চিহ্নে কিশোর জিতে নারায়ণ চিহ্নে নারায়ণ চিহ্নে থোডস দুঃখলা যাতে স্যার মারাঠিত স্যার त्यांना हिंदी जमत नाही, तुम्ही हिंदी सांगता. हिंदी करताय? हिंदी नाही जमत त्यांना, मला माहिती नाही असल्या गोष्टी. मराठी मराठी द बेस्ट. किशोर गीते नाही रे बाबा, किशोर गीते 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 नारायण BDPL सीजन 6 में आज खेल का तीसरा दिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से सभी खिलाड़ी और टीम्स का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है. अंपायर राजेश भोसले और संजय बुंदेले खेल को प्रारंभ करते हुए डॉक्टर सबका की अगेन मलकापुर राइजर के खिलाड़ी बहुत ही अच्छी थी. पीछे जाकर किशोर गीते ने गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं. तो इस प्रकार से आज के दिन का ये पहला मैच जो कि मलकापुर राइजर्स और देवगांव मई के बीच खेला जा रहा है. तो यहाँ पर एक गेंद डबल सर रीबॉलिंग. ओके डबल तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ऑफ साइड में छह खिलाड़ी और ऑन साइड में तीन खिलाड़ियों के साथ ही व्यू रचना है. काफी अच्छी गेंद थी. डॉक्टर सबका अपने लाइन और लेंथ को नहीं भूले. अच्छा प्रारंभ यहाँ पर और किशोर गीते द्वारा स्क्वायर कट करने की कोशिश. अगली गेंद काफी अच्छी फिर से एक बार अंदर आती हुई. फिर से एक बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं. अगली गेंद ऑफसाइड में खेला था और गेंद को खेला जादव की तरफ शॉट कवर्स की तरफ कोई आदित्य जादव की तरफ. इस बार गेंद को खेल दिया है कवर की तरफ राहुल चोपड़े द्वारा. अच्छी फील्डिंग और अपने स्कोर को प्रारंभ किया देवगांव मही की टीम यहां पर. सुपर देवगांव मही खेल दिया है कवर की तरफ. ये गेंद हवा में है. डॉक्टर उगले डबले यहाँ पर गेंद को पीछे गए और गेंद को कलेक्ट किया. तब तक एक रन का मौका. तो नारायण सिंह ने इनका भी यहाँ काउंट शुरू होता हुआ कप्तान है देवगांव मई के. डॉक्टर सबका की एक गेंद छोटा बलिंग गेंद थी कट करने की कोशिश थी. इस ओवर में तीन बार बीट होते हुए कप्तान है देवगांव मई के किशोर गीते और ओवर की समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है दो रन. डॉक्टर सबका की एक गेंद छोटा बलिंग गेंद थी कट कर.
नारायण हाँ महेंद्र टिकड़े गेंदबाज है चेतन सोनोने अच्छी गेंद थी काफी तेज गेंद अच्छी लाइन और लिंक के साथ गेंदबाजी करते हुए मलकापुर राइजर्स के गेंदबाज है टॉस जीतकर ट्रांस होते हैं सोनोने सुपर स्ट्राइकर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है तेज गेंद और काफी ठंड वातावरण है यहाँ पर इस वातावरण में बल्लेबाजी अच्छी गेंद थी इस वातावरण में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा कठिन होता है गेंदबाज हावी होता है ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है और एक कदम पीछे गए पुश किया मिड विकेट की तरफ और एक रन के साथ अपना एंड बदला वहां पर नारायण सिंह ने गेंद थी इस वातावरण में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा कठिन होता है गेंदबाज हावी होता है ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है हेलो 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 फिर से एक बार ये गेंद अच्छी थी गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स की तरफ लेकिन गेंद आई कट होने के बाद थर्ड मैन की तरफ वार डॉक्टर डौले इन्होंने गेंद को वापस करते तब एक रन से एक बार अपना अच्छी थी कोरा के बढ़ाया बल्लेबाज चाहते थे कवर्स की तरफ लेकिन गेंद आई कट होने के बाद बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के सभी डॉक्टर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट फिर उनका उन्होंने किया है फिर से एक बार ये अच्छी गेंद थी थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद नारायण सिंह ने पूरी तरह से बीट हो गए हालांकि अपनी स्ट्रेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज किया है सोनोने जिन्होंने ऑफ साइड में खिलाड़ी को रखा है एक थर्ड मैन थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद डीप एक गली स्क्वायर थर्ड मैन हम कहेंगे एक पॉइंट सोहेल खान डीप कवर पर है डॉक्टर राहुल चोपड़े ज्यादा शॉट कवर पर और एक खिलाड़ी डॉक्टर सबका मिड ऑफ पर ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डॉक्टर माने और डीपी स्क्वायर लेग पर ये गेंद अच्छी थी कट कर दिया फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग महेंद्र टेकाड़े द्वारा अपना पूरा बचपन महेंद्र टेकाड़े इनका इस मैदान पर गया है काफी अच्छे हुनर खिलाड़ी अच्छी थी कट कर दिया अच्छी फील्डिंग महेंद्र टेकाड़े द्वारा शांत क्रिकेट अच्छी गेंदबाजी और काफी संभल कर दोनों ही ओपनिंग्स जोड़ी देवगांव मही की ये गेंद को खेला है अच्छा थ्रो था वहां पर सोहेल खान का दो की समाप्ति पर छह रन की देवगांव में सुपर स्ट्राइकर ये गेंद को क्या है अच्छा थ्रो था देवगांव के सोहेल खान का जो आप सभी डॉक्टर्स उनकी एक खिलाड़ी जो कि वाकी से है कुमारी कांचन काकड़ इस साल बीसीसीआई टूर्नामेंट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था अंडर 19 की टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इस गेंद को खेल दिया है कवर्स की तरफ अच्छी फील्डिंग वहां पर डॉक्टर राहुल चोपड़े द्वारा इसी बीच एक रन लेते हुए अपनी टीम अंडर 19 की टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इस
जोड़कर मैच के लिए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज हम बता दें कि यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों भी स्कोरिंग यहाँ पर हो रहा है। ऑफलाइन स्कोरर भी यहाँ पर उपलब्ध हमने किया है और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पहले सेकंड को रोका, दूसरा रन बनाने से रोका, एक एक रन से तो यहाँ पर गेंद को मोड़ दिया है। फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चेतन सोनी द्वारा अच्छी फील्डिंग, पांच ओवर की समाप्ति के बाद बार संख्या है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहली बार बांकापुर शहर में क्रिकेट में किया जा रहा है। इस मैच का आंखों देखा हाल यूट्यूब पर लाइव आप देख सकते हैं और क्रिक हीरो के ऊपर भी इस मैच की रिकॉर्डिंग चलती हुई तथा ऑफलाइन में यहां पर स्कोरिंग होती हुई डॉक्टर माने गेंदबाजी में परिवर्तन के साथ रेलवे की ओर से को आउटसाइड द ऑप्शन अपनी दिशा उन्होंने बदली और व्हाइट के रूप में एक रन गया। गेंद की लेग टच थी लेकिन दिशा से बच गए। ये गेंद शॉट लेग थी और कट कर दिया था। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37 36 रन फिर से एक बार इस गेंद को खेल दिया है। देखना है कैच के लिए खिलाड़ी जाते हैं अथवा नहीं। गेंद उनके भी ऊपर से 6 रन के लिए तो दूसरा सिक्सर यहां पर लगाया डॉक्टर सिंह ने। इससे पहले लगाया था सिक्स। फिर से एक बार इस गेंद को खेल दिया है। कैच के लिए खिलाड़ी जाते हैं अथवा नहीं और गेंद बल्लेबाजी के भी ऊपर बहुत ही अच्छा सर कर गेंद सीधी गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए डीप पॉइंट बाउंड्री।
एकदम अंपायर ना पानी का
बॉल 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 हेलो 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 बॉल अनदर अनदर बॉल अनदर बॉल सर सर गौरव सर गौरव सर बॉल और बॉल है ये ना और एक और बोल रहे हो ठीक ठीक फेंको तो यहां पर जो स्थिति है बीडीपीएल 6 में नहीं 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 आवाज कम है हेलो 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 बीडीपीएल 6 में जो परिस्थिति आज यहाँ पर है देवगांव मही सुपर स्ट्राइकर ने अच्छी शुरुआत के बावजूद सेकंड हाफ में जो एडवांटेज लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए 81 रनों का टारगेट उन्होंने सेट किया है और 82 रन चाहिए जीतने के लिए मलकापुर राइजर्स अंपायर का इशारा स्कोरर प्लीज तो यहां पर हेलो सर ये बॉल देना नहीं है यहाँ पर चोपड़े ने गेंद को मिड विकेट की दिशा में प्लेस करने के बाद अपना खाता और टीम का भी खाता शुरू किया नैनेश्वर सांगले आज उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है पूरी तरह से चकमा खा गए डीपी
डॉक्टर दिनेश पाटिल और यहाँ पर वरुण बाकी सारे ने बल्कि हालांकि अच्छे बल्लेबाज भी है, इतनी सारे लीग मैचेस खेलने का अनुभव उनके पास है। जिला परिषद हाईस्कूल इनकी ओर से एक गेंद, फुल टॉस और गेंद को दिशा दे दी, गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर और दिनेश सर ने भी अपना खाता खोला। बैसी अच्छी चाहिए
और सिर्फ 12 रनों की दरकार। ऑन साइड पर खेला ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इसे ऑन साइड पर खेला था फाइनल के क्षेत्र में और शॉर्ट लेग के क्षेत्र में इसे एक रन साथ 29 रनों पर पहुंच गए हैं डॉक्टर डीपी पाटिल सर जो कि 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं और स्ट्राइक पर बाया से बल्लेबाज डॉक्टर राहुल चोपड़े। बाईस गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं डॉक्टर राहुल चोपड़े। 11 रन की जरूरत फुटास खेल दिया सामने देख रहे कि लॉन्ग ऑन के फील्डर कितना मौका कोई मौका नहीं गेंद इसी के बाउंड्री लाइन के बाद जमीन रास्ता 4 रन के लिए। इसी के साथ और दो रन 7 रन अपने जिससे हासिल करने के लिए लोकप्रिय साफ़ दिया सामने बाग लोगों के बिना कितना लोगों को मौका नहीं गया नहीं
से एकदम सेफली खेलता है, डिफेंसिव खेलता है, पर सम होता है जब कनेक्ट नोते होते हैं इधर से लेके आना हमारा दो स्पिन को मेंटेन कर रहा होता है, एक प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है, बाकी कौन कैसे खेलता देता अपन नहीं समझ रहे, पर एज द फर्स्ट पहली जोड़ी